खरगोन जिले के ग्राम मून में इस वक्त किसानों ने बिजली विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऊन से हमारे संवाददाता दिनेश दसुंदी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं इस मामले में ऊन के किसानों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसुंदी और हम मौजूद हैं ऊन के बिजली ग्रिड पर, जहाँ से पूरे ऊन को और आसपास के किसान क्षेत्र को बिजली सप्लाई होती है। यहाँ किसानों ने मोर्चा खिला है बिजली विभाग के कार्रवाई और बिजली विभाग के कार्यप्रणाली के खिलाफ। किसानों का कहना है कि उन्हें जो बिजली किसान खेती किसानी के लिए जो बिजली मिल रही है उसका शेड्यूल चेंज होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, और किसानों ने यहाँ धरना देते हुए आंदोलन करते हुए पूरे गांव की बिजली बंद करवा दी है। उनका कहना है कि उच्च अधिकारी आए और अपनी हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने, क्योंकि ये शेड्यूल जो है रात का शेड्यूल है और किसानों को रात में सोयाबीन इत्यादि में पानी सिंचित करने में बड़ी परेशानी आ रही है। इन्हीं परेशानी को लेकर किसानों ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। और मेरे पीछे जो किसान लोग हैं, हम पूछते हैं क्या क्या समस्या आ रही है आपको, रात में पानी वाले खेतों में कैसे चलाएंगे, अगर कहीं नफा नुकसान होगा तो इसका जवाबदार कौन। रात में इनका कहना है कि खेतों में चारा इत्यादि और ऐसे में कोई भी जनजनावर वगैरह इनको किसी भी प्रकार के नुकसानी हो सकती है। तो आप लोग जब यहाँ आए तो लाइट जैसे बंद करवाई, किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत की? कोई अधिकारी बात ये बोल रहा है कि आगे बात करेंगे, उसे कोई हल नहीं निकल रहा है। कोई हल निकल नहीं रहा, इनका कहना है कि कोई हल नहीं निकल रहा है। कब से आप यहाँ, कितनी देर से? 10 बजे से बैठे हैं। अभी लगभग 1 बजने को है, कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? केवल जेई साहब मिले, जेई साहब मिले, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया, उसके अलावा कोई बात नहीं। किसानों का कहना है कि केवल आश्वासन मिल रहा है और इस आश्वासन के बल पे ही ये किसान चाहते हैं कि अब इनकी मांग को सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए। ये आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस कारण से क्या इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? प्रदर्शन नहीं है, एक आम जनमानस की समस्या है, आम किसान की समस्या है। शेड्यूल अपने आप चेंज हो जाता है, इनकी मर्जी में आते हैं तब ये चेंज कर लेते हैं, और रातों रात इन्होंने किसी को मैसेज भी दिया, किसी किसानों को कोई बताया भी नहीं, और अपने आप ही शेड्यूल चेंज कर दिया। उस संबंध में हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या शेड्यूल चेंज हुआ है, क्या किस तरह का परिवर्तन? पहले 10 घंटे चलती थी, अब 6 घंटे किसानों के लिए, वो भी रात में देते हैं। रात में किसान कहाँ जाएंगे, इतनी भरी फसल में रात में किसान पानी चलाने के लिए कहाँ पर जाएंगे, बताएं? मतलब किसानों को रात में जो बिजली दे रहे हैं उससे परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी अभी कल से आज तक की परेशानी इतनी है कि किसानों खेत में नहीं गए। अच्छा, रात की तो ठीक है, दिन में भी बिजली कई बार जा रही है? दिन में भी एक एक घंटे में आधा आधा घंटे लाइट जाती है, और दिन में भी इनकी, और इन्होंने जो बताया है उस हिसाब से यहाँ पर वर्कर भी काम नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से कोई शेड्यूल नया बनाया है। मेरे हिसाब से तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जो है सत्यता यही है। पिछले 28 दिन में 139 बार बिजली गई है, इस पे क्या कहेंगे? जी, वो भी दिन में? जी, रात में नहीं गई, दिन में जरूर गई है। रात भर तो अच्छी चलती है, मैं खुद उसका गवाह हूँ, पर इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी, बिजली विभाग ने अपनी मनमानी कर रखी। इसके लिए शांति प्रदर्शन कर रहे सब किसान, पूरे किसान हम इकट्ठा हैं, कोई किसी का गलत बोलेंगे नहीं, किसी के मार ठोक नहीं करेंगे, किसी शासकीय संपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आपकी किस तरह की मांग है और आपने क्या किया? हमें 10 घंटा लगातार चाहिए बिजली, किसानों को हमारे यही मांग है। पहले जो शेड्यूल था वही शेड्यूल होना चाहिए, हमारा 12 से 6 वाला। पुराना शेड्यूल क्या था? 6 से 12 से 6 दिन में 6 घंटे वाली जी, और नाइट के 4 घंटे वाली, वो मन में वो जब देते हैं। हाँ, दिन की सहन है वो। अच्छा, मतलब दिन की 6 घंटे होना चाहिए, दिन की 6 घंटे के, दिन की 6 घंटे कंट्रोल। जैसे आप लोग इकट्ठे हुए तो कोई अधिकारी आप लोगों से, किसी संबंधित कर्मचारी अधिकारी जेई साहब आए थे, उन्होंने बोला हमारे से ऊंचे वाले हैं, तो मैंने कहा ऊंचे वाले आए हैं तो उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने बोला था कि हमारे से बड़े बड़े आए हैं और तो उनके सामने हम बात करेंगे ना, इसलिए हम यहाँ। जैसे अभी आप लोगों ने बिजली बंद करवाई तो गाँव वाले दूसरे लोग, जो किसानों के अलावा दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण भी तो परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो तो किसान परेशान हो रहे हैं।
अन्नदाता ही परेशान हो रहा है तो फिर इनका मतलब क्या? जेई साहब आए थे, उन्होंने क्या उनका, जेई साहब ने बोला हमारे से उच्च अधिकारी है उनसे बात करो, हमने कहा उनको बुलवा लो हम उनसे बात करेंगे। अभी मैंने इनके उच्च अधिकारी से बात की तो वो उनके नॉलेज में अभी कोई मामला भी नहीं है। नहीं मामला है तो जेई साहब से आप बात करें, जेई साहब यहीं खड़े हैं, जेई साहब को बुला लो, जेई साहब से बात करो ना। नहीं नहीं जेई साहब ने ही बोला है। सर किसान लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ ग्रिड के ऊपर इकट्ठा हुए हैं, इनकी मांगे हैं क्या, कहना है आपका उसके? मेरा ये कहना है कि अभी जो है मांग विद्युत की मांग और पूर्ति में अब जो है काफ़ी अंतर है, उसके वजह से ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, ऊपर बड़े ग्रिड से भी हो रही है। उसके अलावा भी उन्होंने लोड शेडिंग प्लान अभी नया शेड्यूल 2 दिन के लिए दिया है कि आप 2 दिन ये प्लान चलाए, उसके बाद में आपको नया प्लान दिया जाए, मतलब 2 दिन बाद शेड्यूल फिर से चेंज हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। हाँ पुराना हो जाएगा। तो जैसे ये लोग अभी यहाँ आए तो आपने बताया, इनका कहना ये है, ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने बोला है कि हमारे उच्च अधिकारी करेंगे बातचीत करेंगे, तो जिम्मेदार जो है जोन में जिम्मेदार जो अधिकारी अभी आप हैं, तो आप इनको उच्च अधिकारी बता रहे हैं? तो नहीं, इनका कहना है कि आप हमको अभी लिखित में दो, मतलब कि हमको 10 घंटे बिजली चाहिए, तो मेरे हाथ में नहीं ये चाहिए व्यवस्था, 10 घंटे लिख के देना। अच्छा सर एक बात हो रही है कि जैसे बिजली अभी तो धरना है तो बिजली बंद है, लेकिन कल रात को भी 1-1.5 घंटा बंद रही, दिन भर बिजली दिन में 2-4 बार काट ली जाती है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, कई जगह कंप्यूटर खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण की बात पर एरिया की, तो जो है सप्लाई आगे से लोड शेडिंग में जा रहा है। सर कल रात को आधे गाँव में होली, आधे गाँव में दीपावली थी, तो यहाँ पे लोकल व्यवस्था में लाइन केबल फॉल्ट हो गई थी। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे फॉल्ट हो गई थी, उसको अभी काट के सेक्शनलाइज करके चालू किया है रात को। सर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे ऊन में ये है कि यहाँ जितने भी कर्मचारी उनको ये नहीं पता है कि कौन से ग्रिड और कौन से डीपी से कौन सी लाइन चल रही है, हमेशा ढूंढते रहते हैं, 1 घंटे तक फॉल्ट ठीक नहीं होता। कल रात को भी ऐसा ही हुआ, रात को लगभग 1.5 घंटे तक लोग परेशान होते रहे, फॉल्ट नहीं मिली। फॉल्ट आप रात का टाइम है, आप खुद ही समझो, केबल फॉल्ट निकालना किसानों का कहना है कि वो रात में परेशान हो जाए चल जाए, कर्मचारी परेशान नहीं होंगे। आगे कर्मचारी रात को चालू करके सप्लाई, मैं बोलूंगा आप भी कर चालू करके जाए, वो लोग आए थे ढूंढने का प्रयास। किसानों का ये कहना है कि कर्मचारी रात में परेशान हो नहीं होना चाहिए, वो उधर से नहीं चालू हुआ तो अन्यत्र डीपी से उन्होंने व्यवस्था करके चालू की सप्लाई। लगभग 1 महीने के अंदर 139 बार हम खुद काउंट कर रहे हैं, मैं दुकान चलाता हूँ और लगभग 139 बार लाइट गई है लोगों का, किसी पर कई तरह का नुकसान भी हुआ 1 महीने के अंदर 139 बार लाइट जाना। अभी 5-5 ये अभी इन्होंने बंद करवाया, इसके पहले भी 5-5 10-10 मिनट पे लाइट बंद हो रही, क्या समस्या आ रही है? लोड सेटिंग प्लान अनुसार ही हो रही है या फिर कोई जरूरत है, कोई फॉल्ट आ रहा है उसके वजह से तो सर डेली थोड़ी जरूरत होती है। अच्छा ये किसान जो इकट्ठा है इनको अभी क्या आश्वासन क्या रहेगा? अभी तो इनको बोला जो शेड्यूल प्लान उसके अनुसार देना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे कि नहीं चाहिए, आप क्या तो इनकी मांग है उच्च अधिकारी को तो आप बुला रहे हो? हाँ बात हो गई है, आ रहे हो जी। आप क्या नाम लिखते सर? मैं MS तवर। और अभी अभी हमने आपके समक्ष जी हिसाब से बात की, उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए शेड्यूल रहेगा, अब आपके अगली पहल क्या रहेगी, आगे आप क्या चाहते हैं? जब तक उनके उच्च अधिकारी नहीं आते तब तक हम यहाँ से कहीं हटेंगे नहीं, सब किसान पूरे मेरे साथ में खड़े हैं और कोई किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है जब तक उनके उच्च अधिकारी नहीं आते। और इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ा, चक्का जाम भी करना पड़ा, तो उसके लिए हम तैयार है पूरे किसान। मतलब किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, रोजी रोटी का सवाल है हमारा, तो और 8 दिन से गांव के अंदर लाइट जाती है, ये तो आराम का मामला है टाइम पर, और नहीं होगा तो हम यहाँ रात भर भी, मैं खुद अपनी तरफ से खिचड़ी इनके लिए बनवाऊंगा किसानों के लिए, और इनको यहाँ खाना भी खिलवाऊंगा, और जो भी हो सकेगा पूरी इनकी मदद करूंगा और किसानों के साथ में रहूंगा। जय हिंद जय भारत। फिलहाल उन सहित आसपास के किसान क्षेत्र में बिजली बंद है, हमने इस मामले को लेकर किसानों से बातचीत भी की, किसानों की क्या मांगे उनको भी जानने का प्रयास किया, और विभागीय JE से भी बात की, दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा है, जहां किसान अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं, किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी गांव के बिजली को चालू नहीं किया जाएगा, और कोई भी उच्च अधिकारी आकर के उनकी बात को नहीं सुनेगा जब तक कुछ भी निराकरण नहीं होगा।
लगभग किसान ग्रिड के आसपास जुटे हुए हैं और किसानों अपनी मांग को लेकर जुटे हैं। किसानों का ये कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो हाईवे पर आकर सड़क पर भी धरना दे सकते हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक गाँव को बिजली नहीं मिल पाएगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही, आगे फिर ऐसी ही रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।